ललितपुर पुलिस ने लड़की बनकर लोगों से फेसबुक इंस्टाग्राम ऐप के जरिए वीडियो कॉल कर दोस्ती के बाद अश्लील वीडियो दिखाकर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए फंसाकर और पुलिस अधिकारी बनकर लोगों से रुपए ऐंठने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा है, जिनमें से 2 सदस्य शिवपुरी जिले के रहने वाले हैं। बता दें कि अश्लील वीडियो दिखाकर रुपए ऐंठने के मामले में शिवपुरी शहर सहित बदरवास से सामने आ चुके हैं। जिले में इन कार्य को भौती पिछोर और करेरा क्षेत्र के अपराधी प्रवृत्ति के नए युवक अंजाम दे रहे हैं। ललितपुर एसपी मोहम्मद मुश्ताक के मुताबिक उन्हें जानकारी मिल रही थी कि एक ऐसा गिरोह है जो सोशल मीडिया के फेसबुक इंस्टाग्राम और वी लाइफ ऐप के जरिए स्वयं को लड़की बताकर लड़कों से दोस्ती कर रहे थे और फिर उनको अश्लील वीडियो भेजकर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हुए पुलिस अधिकारी बनकर फोन कर फंसाने का भय बनाकर गूगल पे, फोन पे, एयरटेल पेमेंट बुक और QR कोड इत्यादि भेजकर रुपए ले लेते हैं। ललितपुर पुलिस ने शिवपुरी जिले के पिछोर थाना क्षेत्र के कछुआ गांव के रहने वाले ब्रजेश रजक पुत्र शिवलाल शिवपुरी की भौती थाना क्षेत्र के सलैया गांव के रहने वाले अंकित रजक पुत्र चिंटूलाल को पकड़ा है। इनके साथ थाना जखुरा के ग्राम अड़वाहा निवासी नीलेश रजक पुत्र सुरेश रजक को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 7 मोबाइल, 12 सिम, 5 ATM, साइबर फ्रॉड के 37,600 रुपए बरामद किए हैं। 20,000 रुपए विभिन्न खातों के सीज किए गए हैं। सर किस चीज की गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी क्या देखिए, 3 साइबर अपराधी हैं जो अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े हुए हैं। इन तीनों को जो है आज अरेस्ट किया गया है। तीनों का नाम जो है, एक ब्रजेंद्र रजक है, नीलेश है और अंकित है। इसमें से 2 जो हैं वो शिवपुरी के हैं और 1 जखौरा के रहने वाले हैं। इनको अरेस्ट किया गया है और इनसे बरामदगी के रूप में जो है 7 मोबाइल फोन, 13 सिम और लगभग 58,000 रुपये जो है वो बरामद जो है वो हुआ है। इनसे जो बातचीत हुई है उसमें ये पता चला है कि इनके द्वारा जो जो हमारे सोशल मीडिया हैं उनके माध्यम से जो है अपने आप को ये लोग बात करते हैं, बात करके नंबर जो है लोगों का ले लेते हैं। उसके बाद उनको व्हाट्सअप वीडियो कॉल जो है वो करते हैं और वीडियो कॉल करके पहले से ही डाउनलोडेड जो है जो आपत्तिजनक वीडियो होती है उसको सामने रख करके उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो कर लेते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद उस वीडियो को जो भी जिस आदमी के साथ उनकी बातचीत होती थी उसको भेजते थे और बताते थे कि तुम जो है मुझे इतना पैसा दो, अदरवाइज तुम्हारा ये वीडियो जो है जो आपत्तिजनक है किसी महिला के साथ जो है ये हम लोग इसको वायरल कर देंगे। और इस भय से और डर से जो भी पब्लिक के लोग हैं वो इनको पैसा जो है वो इनको अलग अलग माध्यमों से, चाहे वो फोनपे हो या पेटीएम हो, इन सब माध्यमों से लोग इनको दे देते थे। तो इस तरीके से पूरा एक गिरोह जो है वो जो काम कर रहा था वो उनमें से 3 जो शातिर अपराधी थे उनको आज अरेस्ट किया गया है। और इसमें हमारे जो कोरा थाने की टीम और हमारे साइबर थाने की टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है और इन तीनों को अरेस्ट करके आज जेल जो है वो भेजा जा रहा है। सर बैकग्राउंड क्या है सर इनका? सभी आरोपी बैकग्राउंड क्या है सर? जी ये लोग अपना जो एक जो भी आईडी बनाते थे वो महिला का आईडी बनाते थे और उसके आधार पे लोगों से बातचीत करने की शुरुआत करते थे और फिर नंबर लेकर के फिर उसमें वीडियो कॉल के माध्यम से बात करते थे और स्क्रीन रिकॉर्ड जो है वो कर लेते थे। और इस तरीके से पता चला है कि सैकड़ों लोगों को इन लोगों ने अभी तक शिकार जो है वो अपना बनाया था। इनके गिरोह के अन्य जितने भी लोग हैं उन सबको भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उन सबके खिलाफ जो है प्रभावी इसमें हम लोग कार्रवाई जो है वो करेंगे। कैसे है?